हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 25 मार्च 2020 चैत्र नवरात्रि दुर्लभ संयोग। घर लाएं इन पांच में से कोई भी एक चीज। पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र महीने से होती है और इसी माह चैत्र नवरात्रि भी आती है। हर वर्ष यह चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना करने का विधान है। साल 2020 में चैत्र नवरात्रों का आरम्भ 25 मार्च बुधवार से होकर 2 अप्रैल गुरुवार तक चलेगा। इस बार नवरात्रों की सबसे खास बात यह है कि यह नवरात्रि कई शुभ योगों के साथ आने के अलावा इन व्रतों में किसी भी तिथि का क्षय नहीं होगा। इस दौरान चैत्र नवरात्र में 4 सर्वार्थ सिद्धि योग, 1 अमृत सिद्धि योग और 1 रवि योग का खूबसूरत संयोग बनेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि इन शुभ योगों में माँ की उपासना के साथ साथ आप घर में कुछ विशेष चीजें लेकर आते हैं तो इससे आपको माता रानी की विशेष कृपा और भाग्य में वृद्धि का वरदान मिलता है। तो आइए जानते हैं ये खास चीजें कौन सी हैं। 16 श्रृंगार का सामान। ज्योतिष अनुसार नवरात्र के दौरान 16 श्रृंगार का सामान घर में लाना जीवन में शुभता बढ़ाने वाला होता है। इसे घर के मंदिर में माता रानी के पास स्थापित करने से देवी माँ की कृपा हमेशा ही घर और घर के सदस्यों पर बनी रहती है और साथ ही घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। कलावा। नवरात्रि में कलावा यानी मौली खरीदकर घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलावा बांधने से व्यक्ति को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ तीनों देवी माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी की कृपा भी प्राप्त होती है। नवरात्रों में कलावे को देवी माँ को समर्पित करने से हर मुराद पूरी होती है। मोर पंख। देवी सरस्वती का वाहन मोर है, जिस कारण इसे नवरात्रि के दौरान घर में लाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि आप नवरात्रि में मोर पंख घर लेकर आते हैं और इसे घर के ईशान कोण में रखते हैं तो इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और यदि इसे आप घर के पूजा स्थल पर रखते हैं तो इससे आपके जीवन में विद्या और धन की कभी भी कमी नहीं होती। सोने और चांदी का सिक्का। लक्ष्मी गणेश जी के बने सोने या चांदी के सिक्के नवरात्रों में घर में लाना काफी शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में यदि आप सोने और चांदी के सिक्के खरीदते हैं तो इससे आपके घर परिवार से आर्थिक तंगी दूर होने लगती है और आपको माता जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कमल का फूल। देवी माँ को कमल का पुष्प अति प्रिय होता है। चैत्र नवरात्रों के दौरान यदि आप कमल पर विराजमान माँ लक्ष्मी की तस्वीर या कमल का फूल घर लेकर आते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। चैत्र नवरात्रों के इन 9 पावन दिनों में कमल का फूल घर लाकर पूजा स्थल पर माँ को अर्पित करने से माता रानी प्रसन्न होती है और घर में धन लक्ष्मी का निवास सदा के लिए हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।